हम जा रहे थे, हमारे एक घर है गांव के अंदर और एक घर है बाहर, तो वहाँ पे हम भैंस लेके वहीं पे बांधते हैं, वहीं पे क्या नाम गोबर वोबर डाले जाते हैं। मैं जा रहा था वहाँ पे घर पे गोबर वोबर डाल उसके लिए क्या भैंस वैंस बांधने के लिए, तो वहाँ पे उसने रफीक अहमद से तीनों लड़कों इमरान अहमद, सलमान अहमद, शाहरुख अहमद, तीनों ने आके मेरे ऊपर अचानक हमला कर दिया और चाकू से क्या नाम मार के और डंडों से मार मार के मुझे वहीं पे गिरा दिया। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर का फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मेरे भतीजे हैं, उन्होंने क्या नाम है मुझे मोटरसाइकिल में रख के यहाँ पे थाने पे लाया गया और थाने पे ला के मेरा ट्रीटमेंट अभी नहीं किया गया है, अभी करवा रहे हैं। पुलिस में गाड़ी बंदूक रहा हमेशा हमारे आ जाते हैं, दीवाने तक खेल जाते हैं, बंदूक से हमला किया है हमारे साथ में, बंदूक से हमला किया है और तीनों उनके वो है तो वो दरोगा है तो फोन करके पुलिस को भी बुला लेता है, हमारे ऊपर हावी रहता है, हमारे साथ में कोई हमारा कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता यार। और आज क्या नाम है वहाँ पे हमला कर दिया और चाकू से मार के और क्या नाम है हमारा लड़का थोड़ा दिखा देते बस यही है कि हम फंसा देंगे अब ना तू वो लड़का काम करती है उसके उसका आदमी पुलिस मार दरोगा हम ऐसा पाते हैं। ये ग्राम पंचायत बुशियारी के लोग हैं, ये 3-4 दिन पहले भी ये घटना हुई थी, तो पहले भी थाने में रिपोर्ट हुई थी और जो गांव के लोग थे उस महिला का ही कह रहे थे कि वो महिला झूठी रिपोर्ट करती है, कोई भी आरोप लगाती है उस महिला को भी देख के यही लग रहा था कि ये झूठी रिपोर्ट कर रही है, इनको फंसाने की कोशिश कर रही है, और ये पहले भी यही लग रहा था कि इन पर हमला हो सकता है, किसी भी झूठी रिपोर्ट करके इनको फंसा सकती है। मौदहा सरकारी अस्पताल से कैमरा मैन के साथ दोस्त।